4 फरवरी 2024 और आज हजरत सैयद शाह तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का 117वां उर्स है और इस वक्त हम मौजूद है 100 लाइन में जो सबसे ज्यादा आकर्षण जिसका होता है मौत का कुआं, जिसमें 2 मारुति कार और 3 मोटरसाइकिल एक साथ चलती है, जिसमें लड़की मोटरसाइकिल चलाती है। ये देखने के लिए पूरे परभणी जिले ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जिले से लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार गट के पाथरी के युवा नेता तथा फिक्स नगर सेवक पाथरी नगर परिषद के एडवोकेट मलिक पटेल सर है, उनसे बात करते हैं। वो यहाँ पर आए, वो मुबारकबाद देना चाह रहे हैं तमाम उर्स में आए हुए लोगों को। पटेल साहब, कैसे मुबारकबाद देंगे हजरत सैयद तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को 115वें उर्स? हजरत तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का 117वां उर्स मुबारक। इस मौके पर हम यहाँ पर आए हैं और आमदार बाबा जानी दुरानी साहब की मित्र मंडल की ओर से आप सभी को तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के इस उर्स के मौके पर, 117वें उर्स के मौके पर आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं। और बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर उर्स का मैनेजमेंट किया गया है। हजारों की तादाद के अंदर फारूक बाबा और उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम या इस उर्स का निवेदन किया है। हजारों की तादाद के अंदर यहां पर लोग आ रहे हैं और हम जिस जगह पर खड़े हैं ये बहुत ही डेंजर है, जिसको मौत का कुआ कहा जाता है। हकीकत में यहाँ पर जो बाइक सवार है, कार सवार है, वो बैलेंसिंग करना ये अपने आप में कमाल है। तो उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पर मौत के कुएं के अंदर गाड़िया या कार्स का राइडिंग हो रहा है और हजारों की तादाद में ये जो उर्स है, उर्स 117वां जो उर्स है तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का, इसके अंदर आप देखेंगे कि हर जात के हिंदू मुस्लिम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एकता का प्रतीक ये माना जाता है और हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोश और खरोश के साथ इसको मनाया जा रहा है। हम आमदार बाबा जानी दुर्रानी मित्र मंडल की ओर से आप सभी को फिर एक बार इस उर्स मुबारक मौके के ऊपर या इस उर्स के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और ऐसी ही कौमी एकता परभणी के अंदर हमेशा रहेंगी, इसकी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उर्स हजरत सैयद शाह तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जो कि 117वां उर्स चल रहा है, 4 फरवरी है आज और आज हम यहाँ पर है ये इस नाव बोट में, जिसे नाव कहते हैं, ये जो नाव है ये इस तरह से यहाँ पर चलती है कि इसमें बैठने के बाद एक अलग आनंद आपको आता है। और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग परभणी जिला ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जिले से यहाँ पर आ रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। 100 लाइन में है हम इस वक्त और 100 लाइन का ये दूसरा साल बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, जो कि ये जो टीम है जिनके पास ये लगातार दूसरे साल से 100 लाइन आ रही है। फारूक बाबा इसके हेड है, जिसमें कलीम बॉस है, मुजाहिद मेमन है, ये साबिका कॉर्पोरेटर मुजाहिद मेमन, कलीम बॉस, फारूक बाबा साबिका सभापति परभणी महानगर पालिका और उनके साथ में सगीर बॉस और अलीम खाजी साहब, तमाम जो पूरी टीम है उस पूरी टीम की कोशिशों से परभणी जिले के लोगों को एक 100 लाइन जो कि आकर्षण है और एक अलग ही मजा होता है इसका, वो यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शक है हमारे साथ, वर्ष 2017 का आनंद लेते हुए यहाँ पर कोई युवा है, मोहम्मद खुजर काजी है, हमारे जोड़ी ग्रुप से है, उससे बात करते हैं, कितना मजा आ रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम, 117वें उर्स की मुबारकबाद देता हूँ मैं पहले तो तमाम पब्लिक को और यहाँ से मेरे जो भाई शहरों से जो भाई आए हैं इंजॉय करने के लिए, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आप भी जो लोग नहीं आ सके वो भी आइए यहाँ पर, नया आइटम जो आया है फिश टनल, फिश एक्वेरियम जो है यहाँ पर, दुनिया भर की तमाम किस्म की मछलियाँ यहाँ पर, वो भी देख सकते हैं, बच्चों को दिखाइए एक बार सबको, उसकी मुबारकबाद देता हूँ मैं। कलाम बोझ में है हम, जिसे नाव कहते हैं और ये जो बड़ी सी नाव आप देख रहे हैं, इसमें बैठने के बाद जो आनंद मिलता है वो अपने आप में बहुत ही अलग सा होता है। हम खुद अभी इसमें बैठे थे, खिजर भाई है इसके ओनर, उनसे बात करते हैं। खिजर भाई, परभणी का उर्स पूरे महाराष्ट्र का नंबर वन उर्स होता है, देश भर से यहाँ पर भाविक आते हैं हजरत सैयद शाह तुराबुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में। 117वें उर्स में आपका ये कलाम बोझ जो आपने यहाँ लाए हैं, कैसे उर्स चल रहा है, कैसी मुबारकबाद? एकदम अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, एक नंबर चल रहा है उर्स, पब्लिक भी आ रही है और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं उन्हें भी आना चाहिए। बस मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, हाँ, फिश टर्नल आया है, टावर वाला झूला आया है, ऑक्टोपस आया है, 2-4 नवे आइटम आए हैं, एंजॉय करना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है जॉइंट व्हील झूले में, जो कि आसमान से बातें करता हुआ
झूला है और इस उर्स के सबसे टॉप पर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ से आप देख सकते हैं उर्स का नजारा, इतना खूबसूरत ये नजारा दिख रहा है और खास तौर पर शो लाइन से जो इस उर्स में रौनक आती है वो इस शो लाइन से आती है। आप भी जरूर उर्स में आइए और इस उर्स की जो खास बात है कि यहाँ पर फिश टनल के नाम से जो आया है, फिश टनल जो आई है, फिश टनल में आपको दुनिया भर की अजीब और गरीब मछलियां देखने को मिलेगी जो कि आपने पहले कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी, ना ही टीवी पर कभी देखा होगा। पूरी मछलियां एक साथ आपको फिश टनल में देखने मिलेगी, तो एक बार जरूर शो लाइन में फिश टनल आप आइए और यहां पर आकर आपके बच्चों को फिश टनल जरूर दिखाइए। हम इस वक्त मौजूद है जॉइंट व्हील झूला जो कि शो लाइन में है और इन दिनों 4 फरवरी को जो यहाँ पर रश है, पैर नहीं रख सकते, इतना रश यहाँ पर है और लोग इतने ज्यादा आ रहे हैं जॉइंट व्हील झूले में झूलने के लिए जो कि आसमान से बातें करता हुआ झूला है। हमारे साथ चंदन है जो इस झूले को ऑपरेट करते हैं, इनको ये झूला, इनकी पूरी टीम का उनसे बात करते हैं। चंदन, ये 117वां उर्स है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, हम यहाँ पे 5 साल से उर्स कर रहे हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है उर्स में, बहुत प्यारा से उर्स है ये। दूसरी टाइम इनको झूला मिला है, हमारा अभी झूला नया आया है यहाँ पे, पहली बार हमें झूला लगाए, पहली बार हम लगाए थे हमारे पास झूला नहीं था सर, अभी नया झूला बना के लाया, 28 सीट का झूला है, इसको जॉइंट व्हील बोलते हैं, 28 सीट सबसे बड़ा झूला है। इसमें 4 के हिसाब से तो 112 लोग बैठते हैं, वैसा 56 लोग बैठते हैं। एक राउंड कितनी देर? एक राउंड हम 5 मिनट घुमाते हैं सर। लोगों से क्या अपील करेंगे परभनी जिले के, क्या आना चाहिए उर्स में और ये झूले में? जरूर, हाँ जरूर से आए, हमारे हम बहुत सावधानी से हम चलाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं सब झूले पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसकी मुबारकबाद। हाँ, और उसकी और उसके सबको मुबारकबाद, शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है। 4 फरवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी जिले का 117वां उर्स चल रहा है हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का, और इस उर्स की खास बात है और जो अट्रैक्शन होता है मौत के कुएं का, और खास बात है यहाँ पर 2 लड़कियां हैं जो इस मौत के कुएं में बाइक चलाती है। ओनर है हमारे साथ सलीम शेख जाफर, उनसे बात करते हैं। सलीम भाई, 117वें उर्स में आपका मौत के कुएं का जो सबसे ज्यादा आकर्षण होता है, 2 मारुति कार और 3 गाड़ियां इसमें चलाई जा रही है, कैसे मुबारकबाद देंगे उर्स की 117? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है, बिल्कुल हर साल भी आते हम, हर साल की तरह ये साल भी आए, इसमें 6 गाड़ी चढ़ रही, 6 गाड़ी चढ़ रही, 2 मारुति कार, 2 बुलेट गाड़ी, 2 यामा गाड़ी, और ये लेडीज जो है उसके साथ कोऑपरेट करते शो बताते आते, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बहुत सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे सब लोग, और बहुत सक्सेस जा रहा है, बिल्कुल सक्सेस जरूर जा रहा है। आना चाहिए लोगों, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा है वो, दुनिया भर की मछलियां है और बहुत फेमस है वो, बहुत अच्छे, पहली बार आया परभनी में, अभी सोलापुर से लग के इधर आया हूँ, बहुत फेमस है और देखने के लायक, बच्चों के फैमिली के लिए बहुत सारा अच्छा आइटम है, सबको एक बार फिर उसकी मुबारक, बिल्कुल सबको एक मुबारक और उसकी मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब फिश देखने आए, मौत का कुआ देखे हमारा। हमारे साथ हर्षा पवार है, बाइक राइडर है जो मौत के कुएं में बाइक चलाती है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आपको डर नहीं लगता? लोग रोड पर गाड़ी सीधी नहीं चलाते, आप मौत के कुएं में चलाती है, कैसे लग रहा है आपको परभनी के उर्स की मुबारकबाद? कैसे? अच्छा लगता है हमको, डर नहीं लगता है, स्टार्टिंग लगा डर, 3 साल हो गया, हाँ कार में स्टंट भी करते चला रहे हैं। मौत के कुएं में इस वक्त हम मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ियां चल रही है, दोनों हाथ जोड़कर गाड़ी इस मौत के कुएं में चलाई जा रही है, दोनों हाथ और दोनों पैर ऊपर करकर राइडर गाड़ी चला रहे हैं, जबकि लोग रोड पर ठीक से गाड़ी नहीं चलाते, ये लोग मौत के कुएं में चला रहे हैं। अब ये आप देख रहे हैं मारुति कार जो लड़की चला रही है, उनके साथ में देसी गाय बैठी हुई है, दूसरी एक मारुति कार है, पूरा शो यहाँ पर दिल दहला देने वाला ये शो होता है, इसीलिए इसका नाम मौत का कुआ रखा गया है, ताकि लोग देख सके कि किस तरह से गाड़ियाँ अभी एकदम सीधी सीधी जो ये पतियाँ होती है उन पतियों के ऊपर 2 बुलेट और 2 बाइक, 2 मारुति कार एक साथ चलाई जा रही है, बहुत ही ज्यादा आकर्षण इस मौत के कुएं में, इसीलिए लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए यहाँ पर आते, तो आप भी जरूर मौत का कुआ जरूर देखें, और इसके साथ साथ जो फिश टनल है जो इस बार पहली बार आया है फिश टनल, वो भी देखना था, पूरे दुनिया भर की मछली आपको वहीं पर देखने मिलेगी, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी फारूक बाबा साधेखर सभापति परभनी महानगर पालिका, अनिल भाजी साहब और उनके साथ में मुजाहिद मोहम्मद सलीम बॉस और तमाम आठ भाई और सभी ने मिलकर ये दूसरी
दूसरे साल लगातार दूसरे साल बहुत का पूरा पूरा शो लाइन उनके जिले में आया है और वो बखूबी इस शो लाइन को निभा रहे हैं। एक बार जरूर फरवरी के उर्स में आप आए और यहाँ पर आने के बाद शो लाइन में जरूर आए। विनोद चंद्री तस्वीर के साथ बरगानी अपने देश के लिए आए।